छोटा राजन के गुर्गे को दुर्गा पूजा पंडाल में मौत के घाट उतारा था, जिसमें से 4 शूटर हुए गिरफ्तार। आपको बता दें, कैंटेरिया में सनसनीखेज वारदात में नीरज वाल्मीकि की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 4 शूटर गिरफ्तार। आरोपी सनाउल्ला और रानू से मृतक नीरज वाल्मीकि ने जेल में हुआ था विवाद। झगड़ा और मनमुटाव का बदला लेने के लिए रानू ने किया हत्या। 3 अन्य साथी भी हुए गिरफ्तार। इसमें 3 पिस्टल, 5 देसी बम, 1 काले रंग की बाइक बरामद हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद। 16 अक्टूबर को आकाशवाणी के सामने लगे दुर्गा पूजा पंडाल में वारदात को शूटरों ने अंजाम दिया था, जिसमें बमबाजी के दौरान धुएं का फायदा उठाकर सभी शूटर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 7 शूटरों में विकास तिवारी, संजय यादव, सोनू कुमार भारती, सनाउल्ला उर्फ रानू को पकड़ा गया। सनाउल्ला उर्फ रानू की जेल में मृतक नीरज वाल्मीकि से रार थी। दोनों एक ही बैरक में थे, जहां पर दोनों में झगड़ा व मनमुटाव हो गया था। दोनों ही जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत चाहते थे। नीरज वाल्मीकि ने जेल में सनाउल्ला उर्फ रानू से मारपीट एवं गाली गलौज की थी। तभी से सनाउल्ला उर्फ रानू ने मन में नीरज वाल्मीकि से रंजिश करने लगा था। जेल से छूटने के बाद सनाउल्ला उर्फ रानू लगातार नीरज वाल्मीकि पर नजर रखता था और रेकी के माध्यम से वो नीरज वाल्मीकि की लोकेशन लेता रहता था। जब उसे जानकारी हुई कि नीरज वाल्मीकि दुर्गा पूजा पंडाल में बिना असलहे के काफ़ी देर तक बैठता है, जिस पर सनाउल्ला अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर मारने की योजना बनाई, जिसमें सनाउल्ला ने बताया कि अगर नीरज वाल्मीकि को नहीं मारा तो वो सनाउल्ला को मार देगा। जिसके बाद वारदात वाले दिन विकास तिवारी, सोनू भारतिया एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे और सनाउल्ला उर्फ रानू, संजय यादव दूसरी बाइक से आए थे। इनका उद्देश्य नीरज वाल्मीकि को दुर्गा पूजा पंडाल से बाहर बुलाकर हत्या करने का था। सनाउल्ला उर्फ रानू को नीरज वाल्मीकि बहुत अच्छे से पहचानता था, इसलिए पहचान छुपाने के लिए अपने अपने मुंह पर मास्क लगाया था, जिससे नीरज उसे पहचान ना सके। योजना के मुताबिक विकास तिवारी ने नीरज वाल्मीकि से जाकर हाथ मिलाया और उससे बात की। बात बात में पंडाल से बाहर आने को कहा, लेकिन नीरज ने पंडाल से बाहर आने को मना कर दिया और उसको शक हो गया, जिस पर विकास ने तुरंत पिस्टल निकालकर गोली चलाने मुड़ा। वैसे ही नीरज वाल्मीकि उस पर झपटा, लेकिन विकास तिवारी, सनाउल्ला और परानू और संजय यादव ने पिस्टल से फायरिंग करनी शुरू कर दी। सनाउल्ला और परानू ने नीरज वाल्मीकि के पास ही गिर पड़ा, जिस दौरान उसे गोली लग गई, जिसमें सोनू भारतिया पीछे से बम मारा, जिसके विस्फोट से मृतक नीरज वाल्मीकि के साथ सनाउल्ला और परानू को गंभीर चोटें आई। जख्मी सनाउल्ला और परानू को उसके साथ ही बमबाजी के दौरान फायदा उठा। 16 तारीख की रात को एक घटना कारित की गई थी, जैसा कि आपको पता है सीसीटीवी फुटेज में भी ये हत्या करते हुए दिखाई गई और एक जघन्य अपराध उस दिन ये कारित किया गया था। आप सभी लोगों को जानकारी भी है, इसमें ये तथ्य भी आप लोगों को पता है कि गोलियां और बम दोनों इस्तेमाल करते हुए घटना कारित की गई, एक जघन्य अपराध किया गया था। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से सनाउल्ला उर्फ रानू, विकास तिवारी, संजय यादव और सोनू कुमार है। करीब करीब सभी लोगों के ऊपर पूर्व में आपराधिक इतिहास इन लोगों का पंजीकृत है। जो सीसीटीवी फुटेज के जो प्रिंट्स मिले थे, उनके आधार पर पुलिस ने इन लोगों को चिन्हित किया है। पुलिस ने इनके चिन्हीकरण पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था कि जो लोग इन लोगों को चिन्हित कराते हैं,
तो पुलिस उनको इनाम देगी। फिलहाल क्योंकि टीम ने ये काम किया है तो पुलिस ये इनाम टीम को ही देगी। वजह क्या थी, क्यों हत्या? जो वजह ये निकल के आ रही है कि सनाउल्ला और रानू और विकास तिवारी, ये जो मृतक नीरज वाल्मीकि है, इसके साथ जेल में एक ही बैरक में, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है, ये थे। और अभी पुलिस इस चीज़ की शिनाख्त और कर रही है। तो जैसा कि इनके द्वारा बताया गया थे, और वहाँ पर जेल में किसी बात को लेके इनका झगड़ा हो गया था, मनमुटाव हुआ है। और ये जो लड़का पकड़ा गया है सनाउल्ला, इसके भी वर्चस्व की भी लड़ाई, इस तरह की बात भी निकल के आ रही है। तो ये तथ्य इसके पीछे निकल के आया है कि पुराना जो झगड़ा है जेल के अंदर, जो इनकी लड़ाई हुई है, इस बात को लेकर इसके मन में एक मुटाव था, जिसको जेल से बाहर निकलने के बाद सनाउल्ला और रानू ने डिसाइड किया कि मैं नीरज वाल्मीकि के साथ घटना कारित करूंगा और इसकी मृत्यु करूंगा। और इसी बात को लेकर उसने उसकी हत्या कारित की। हत्या देखिए, टोटल 4 लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया, जिसमें एक व्यक्ति है जो सीवियरली वुंडेड है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। और वो व्यक्ति जो वुंडेड है, उसको गोली भी लगी हुई है और उसको जो बॉम्ब था उसके रिवेट्स भी लगे हुए हैं, तो पुलिस ने उसको भी अरेस्ट किया है और उसको जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। कौन था वो? विकास है, सनाउल्ला और फ्रानू, ये सीवियरली वुंडेड है। बाकी के 3 लोगों को पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो 4 लोग पुलिस ने इस केस से संबंधित अरेस्ट कर लिए और केस का सफल अनावरण किया है। केस के अनावरण में जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हम लोगों के द्वारा उनकी सराहना की जाती है।